देखिए, अब आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गाजियाबाद में, और राहुल गांधी ने एक नया फिगर पेश किया है कि ये एनडीए अब कितनी सीटें ला सकता, बीजेपी कितनी सीटें ला सकता है। तो उन्होंने अब बीजेपी की सीटें घटा दी है और 150 कर दिया है। देखिए, ये जो नेता बोलते हैं इसमें पूरी सच्चाई तो नहीं होती है, लेकिन इनके अपने सोर्सेज होते हैं, इनके अपने रिसर्च होते हैं, और उसके आधार पर ये आकलन हो रहा है। मैं भी ऐसा मानता हूं कि देखिए, 2 महीने पहले जो हालात थे और अभी जो हालात हैं उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया है। और ये अंतर कब आया है? ये अंतर आया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इंटरवीन किया और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला उछला, उसके बाद से इस सरकार की साख गिरने लगी। और फिर जो पुराने सवाल थे, रोजगार के सवाल, महंगाई के सवाल, भूख के सवाल, ये सारे सवाल फिर से जिंदा हो गए। तो अब एक नए विमर्श में चला गया है ये चुनाव। और आप देखिए कि पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुए थे, तो मुझे ध्यान आता है कि फरवरी में पुलवामा हो चुका था। तो एक एक इमोशनल इशू भारत को मिल गया था चुनाव के लिए। इस वक्त कोई ऐसा इमोशनल इशू नहीं है। प्रधानमंत्री 2 इशू को पकड़ना चाह रहे हैं। एक तो राम मंदिर, राम मंदिर आज उनकी एक तस्वीर दिखाई दी है जिसमें वो लैपटॉप, लैपटॉप नहीं, उसको टैबलेट पर वो दर्शन कर रहे हैं। दूरदर्शन पर जो टेलीकास्ट हुआ, लाइव टेलीकास्ट हुआ, उसको देख रहे हैं। और बकायदा उसको देखते हुए उन्होंने चप्पल भी अपने से दूर कर दिया है फ्लाइट में। तो ये सब भाव भंगिमा वो दिखा रहे थे। एक तो वो ये दिखा रहे हैं। दूसरा, उनका आपने देखा होगा, 1-2 दिन पहले उनका एक बयान आया था कि पूरी दुनिया में इस वक्त युद्ध का माहौल है, और उस युद्ध के माहौल में देश में एक मजबूत विपक्ष सरकार की जरूरत है। तो वो एक माहौल ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी उनको सत्ता वापस मिल जाए, लेकिन न उनकी वाणी में वो तेज बचा है, न उनकी लोकप्रियता में वो स्तर बचा है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में तो इनका दिखाई दे ही रहा है कि जहां पे वो थे वो एक्सट्रीम था, अब उससे नीचे ही आना है। अभी साउथ में जरूर एक दो जगहों पर खाता खुलने का एक संकेत मिल रहा है। कुछ जो अभी हाल में सर्वेज आए हैं उसमें ये भी दिखाया गया है कि केरल में भी 3 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि केरल में और जो है तमिलनाडु में उनकी मतलब उस ढंग से वहां उनको सफलता मिलेगी। तेलंगाना में जरूर थोड़ा सफलता मिल सकती है। आंध्र प्रदेश में तो उन्होंने समझौता कर लिया है टीडीपी के साथ, तो वहां भी एक बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक में वो फिर से रिवाइव नहीं हो रहे हैं। कर्नाटक में दूसरे तरह का माहौल है, वहां पर अब कर्नाटक कांग्रेस। में पिछली बार सारी सीटें मिली थी शायद बीजेपी को ना, इस 25-25। बार बंटवारा होगा, इस बार जो है कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा होगा। तो वो स्थिति दक्षिण से आप देख रहे हैं कि वो उसको कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। कर्नाटक के पिछली बार जो है 2019 में जो नतीजे थे, कर्नाटक उनको बहुत बड़ा एक सपोर्ट था, क्योंकि कर्नाटक से काफी सीटें आ गई थी, तो दक्षिण में करने के लिए दक्षिण में एंट्री हो गई थी। लेकिन इस बार वो भी नहीं होने जा रहा है। कर्नाटक में उनको उस तरह का नंबर्स नहीं मिलने जा रहा है, और ऊपर से दक्षिण में उत्तर भारत में नंबर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश है, वो बिहार है, वो राजस्थान है, वो मध्य प्रदेश है, हर जगह कुछ ना कुछ लोचा है। और हरियाणा, हरियाणा और दिल्ली, दिल्ली में भी बड़ा झटका है। दिल्ली में पिछली बार अच्छा उनके पास था, लेकिन दिल्ली में जो इस वक्त हालत है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस तरह का तालमेल है, जिस तरह आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस ने बोलना शुरू कर दिया है, कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी ने बोलना शुरू कर दिया। तो इस बार एक तो उनको संपूर्ण विपक्ष का मुकाबला करना पड़ रहा है जो पिछली बार नहीं था। तो सिचुएशन बदले हुए हैं, मुद्दे बदले हुए हैं। रोजगार का सवाल एक बार फिर जिंदा हो गया है। भाई, अगर रोजगार लोगों को इतना ही मिल रहा था तो एनटीपीसी की 35,000 नौकरी के लिए करोड़ों करोड़ लोग क्यों अप्लाई कर रहे थे, और वो क्यों भगदड़ मचा बिहार में? तो अब ये सवाल बिहार में भी जिंदा हो गया, और देश के दूसरे भागों में भी चर्चा हो रही है। देश के दूसरे भागों में चर्चा हो रही है कि अगर रोजगार का सवाल नहीं है हमारे यहाँ, तो क्यों लोग वहां पर गाजापट में काम करने के लिए जा रहे हैं, इसराइल में काम करने जा इसराइल रहे हैं? इसराइल भेज रहे हैं, वहां मरने के लिए भेज रहे हैं इसराइल लोगों को। हाँ देवकी नंदन जी, दो सवाल है। थैंक यू। दो दो सवाल हैं, जरा जानना चाहते हैं आप, क्योंकि काफी घूम रहे हैं। एक तो राम मंदिर मुद्दा कितना असर डालेगा या नहीं डालेगा, क्योंकि ठीक है जो बीजेपी के पक्के सपोर्टर हैं, समर्थक है भाजपा के, उनके लिए तो वे राम मंदिर, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, वो सब एक ही जैसे मुद्दे हैं,
ये सारी चीज, लेकिन आम लोगों पर कितना असर डालेगा। दूसरे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पे कुछ रोशनी डाल सके तो बड़ा अच्छा होगा। देखिए रामदत्त जी, जो राम मंदिर का जो मुद्दा है वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। नहीं नहीं, आप पब्लिक में क्या, मैं आज के घटनाक्रम को देखने के लिए पहले हमको पिछला घटनाक्रम देखना होगा। राम मंदिर को लेकर के जब बाबरी ढांचा गिराया गया था, विवादित ढांचा जब गिराया गया था, उससे ज्यादा उन्माद पूरे देश में कभी नहीं फैला। जी जी, लोगों में एक उत्साह था, खासकर हिंदू वर्ग के लोगों में, कि चलो एक ये ढांचा गिर गया, मंदिर बन जाएगा। लेकिन चुनाव में क्या हुआ, उसके ढांचा गिरने के तुरंत बाद चुनाव हुआ, उस चुनाव में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी सरकार नहीं बना पाई, बहुमत की सरकार नहीं बना पाई, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सरकार। अब आते हैं हम इस मुद्दे पर, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और बहुत सारे विवादों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया, और उद्घाटन के बाद बीजेपी की रणनीति बहुत अच्छी थी। बीजेपी ने पूरे देश भर में जितने एमपी एमएलए हैं उनके, उनकी पार्टी के, उनसे कहा कि आप लोग ट्रेन बुक करिए, बस बुक करिए और लोगों को ले जा करके दर्शन कराइए, और इसमें जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा था वो एमएलए का इन्वेस्ट हो रहा था, कुछ सरकारी तंत्र जहां उनकी सरकार थी वो मदद कर रही थी, रेल मदद कर रही थी, रेल बड़ा उनका वेलकम कर रही थी, जगह जगह स्टेशन पर उनको खाने पीने का इंतजाम कर रही थी, मतलब सब कुछ सरकारी तंत्र, एक तरीके से आधा काम उनका सरकारी तंत्र कर रहा था, आधा एमपी एमएलए खुद अपने फंड से कर रहे थे, अपना निजी फंड से। लेकिन आज जब इलेक्शन की स्थिति आई है, उस समय अगर 22 जनवरी के 10 दिन 15 दिन बाद इलेक्शन की घोषणा हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर एक बार फिर 303 सीट जीत करके आती, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया 22 जनवरी के बाद, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो धीमा पड़ता गया और आज भी धीमा पड़ा। जैसा अभी भवेश जी ने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवेसर की एक मीटिंग के बाद उन्होंने एक लैपटॉप अपना वो टैब खोला और टैब खोल करके वो राम का जो भगवान राम के ऊपर जो सूर्य का तिलक, मतलब सूर्य की किरणें वहां तकनीकी तौर पर उनके सिर पर पहुंचाई जा रही हैं, जिसे सूर्य तिलक का नाम दिया गया है, तो वो सूर्य तिलक जो है पहुंचाया गया और उसको प्रधानमंत्री जो है उसको देख रहे हैं और चप्पल उतार करके देख रहे हैं, मतलब एक बार फिर इस हिंदुत्व की भावना को जागृत करने की ये कोशिश हो रही है। लेकिन अभी मेरी कल उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेताओं से कल मेरी बात हो रही थी बीजेपी के, वो कह रहे थे कि वर्कर के बीच जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह नहीं है। मैं बंगाल में हूं, बंगाल में 2021 में जो बीजेपी का वर्कर था उस वर्कर के बीच उत्साह नहीं है, वो एकदम ठंडा पड़ गया है। दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी का वर्कर है, टीएमसी का वर्कर है, वो एक तरीके से मतलब बहुत उसके भीतर उत्साह है। तो जब उत्साह वर्कर में नहीं होगा तो वोट कैसे पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात क्या है कि बंगाल के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिए तो बीजेपी के 4 एमएलए टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। 30% से ज्यादा ऐसे बूथ हैं बंगाल में जहां पर बीजेपी का कोई वर्कर मौजूद नहीं है। एक यहां जैसे अपने लखनऊ उत्तर प्रदेश में 5 विधानसभा की एक लोकसभा सीट होती है, उसी तरीके से बंगाल में 7 विधानसभा की एक लोकसभा सीट होती है। मतलब संख्या वही है, जो 12 से 14 लाख 15 लाख वोटर वही है। अगर आप 30% वोट को आप उससे निकाल दीजिए तो बीजेपी कहां खड़ी होती है। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि मायावती का टिकट जिसने हासिल कर लिया वो 1.5 लाख वोट से अपनी गिनती शुरू करता है, उसी तरीके से बंगाल में जो टीएमसी का कैंडिडेट है वो 30%, मतलब अगर 15 लाख वोटर हैं तो 3.5 लाख से अपनी गिनती शुरू कर रहा है।
क्योंकि वहां बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है। बोनस है वो, बोनस, वो बोनस है। बोनस क्या मतलब, वो खुद ही मिल रहा है। तो जब वहां से वो स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, एक बात। दूसरा बात क्या है कि जो पूरे देश की स्थिति है, अभी सबने इस बात को कहा कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। एक आंध्र प्रदेश में जो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के साथ समझौता किया है, उस समझौते से थोड़ा उनको फायदा हो सकता है, एक दो सीट का। लेकिन वह एक दो सीट का जो वहां फायदा होगा, वह जितनी सीट का वहां फायदा होगा उतनी सीट का तेलंगाना में उनको नुकसान होगा। तो बात बराबर हो गई। साउथ में जो सबसे बड़ा चंक इनके पास था वो 26 सीटें इनके पास थी कर्नाटक में। अभी जो लेटेस्ट वहां की एक लोकल एजेंसी है उसने सर्वे कराया है और उसने सब उसका सैंपल साइज सबसे बड़ा था। उसने ये बताया है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में 12 सीटें जीत सकती है, मैक्सिमम 12 सीटें जीत सकती हैं। और उसी उस जिस एजेंसी के मैं बात कर रहा हूं, उस एजेंसी ने 2024 में जब विधानसभा 23 में सॉरी विधानसभा चुनाव हो रहा था कर्नाटक का, तो उसी का सर्वे 100% सही निकल करके आया था विधानसभा चुनाव के दौरान भी, कांग्रेस और बीजेपी को लेकर और जो वहां पर हेगड़े साहब की पार्टी है, अरे देवगौड़ा साहब की जो पार्टी। अब स्थिति बनती है उत्तर भारत में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम से वोट शेयर और सीट शेयर दोनों लेकर के बैठी है, जैसे 40 में 39 बिहार में, यूपी में 64 267 सीटें हैं, महाराष्ट्र में इसी तरीके से मैक्सिमम सीटें हैं, गुजरात है, आंध्र गुजरात है, दिल्ली है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, और राजस्थान है, छत्तीसगढ़, इन सब में मैक्सिमम है। अगर बीजेपी का वोट शेयर 5% गिरता है पिछले के मुकाबले, मतलब 2019 के मुकाबले, तो बीजेपी 100 सीट के आसपास डाउन हो जाती है, 5% अगर वोट शेयर गिरता है भारतीय जनता पार्टी का। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 की स्थिति रिटेन कर पाएगी। अभी तो सवाल ये है, 400 और उससे आगे का सवाल तो करना बेमानी है, क्योंकि 2019 में स्थिति अलग थी। 2019 में फरवरी के महीने में पुलवामा हो चुका था, एयर स्ट्राइक हो चुकी थी, और जो विपक्ष था वो एकजुट नहीं था, कांग्रेस का गठबंधन पूरे देश में कहीं नहीं था। दूसरा, उनके साथ जो सबसे महाराष्ट्र में उनको सबसे बड़ा फायदा शिवसेना उद्धव गुट से था, वो उद्धव गुट शिवसेना आज की तारीख में उनसे बाहर है। तो ये एक बड़ा सवाल है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी नारा जरूर मोदी जी दे रहे हैं 400 पार का, ये परसेप्शन की लड़ाई है। और जब वो नारा देते हैं, अभी कल मैं इंडिया टीवी का सर्वे देख रहा था, उसने 393 पर अपना कांटा गिरा दिया। वो ये नहीं बता रहा सीट कहां से आ रही है, सीट कौन दे रहा है। मैं लोग लेवल नीचे के लेवल पर जो बेरोजगारी से परेशान है, पहली बार 2019 के चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा नहीं था, 2019 के चुनाव में महंगाई मुद्दा नहीं था, 2019 के चुनाव में काला धन ये सब बातें जरूर राहुल गांधी करते थे, वो राफेल की बात करते थे, लेकिन उसको कोई गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन 2024 में तीन मुद्दे सबसे बड़े आज की तारीख में है। पहला मुद्दा है बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा है महंगाई, तीसरा मुद्दा है नौकरी, और चौथा मुद्दा है करप्शन। भारतीय जनता पार्टी अभी तक करप्शन का जो आरोप है वो दूसरी पार्टियों पर लगाया करते थे और चस्पा भी हो जाता था। राफेल में घोटाला हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है हुआ ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप चस्पा नहीं हो पाया। इस बार जो इलेक्टोरल बांड का जो मसला आया, चूंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, और निर्मला सीतारमण इसी सरकार के मिनिस्टर हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने कहा कि ये भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। तो ये घोटाला एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर चस्पा हो रहा है।
तो करप्शन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पर धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, अब तो आज पहले चरण जो 102 सीटें होने पर चुनाव होना है, आज 5 बजे वहां का प्रचार थम गया और वहां पर 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा चुनाव की स्थितियां बदलती जाएंगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कह सकता हूं आज की तारीख में कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सीटें भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम हो रही हैं। अब चूंकि कांग्रेस जो है अगर 150 सीट लेकर के नहीं आती है तो इंडिया गठबंधन में उसका जो पावर है वो डाउन हो जाएगा, और इंडिया गठबंधन में बहुत सारे ऐसे एलाइज हैं जो आगे चल करके चुनाव जीतने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी को बाहर से भी सपोर्ट कर सकते हैं। वो देखेंगे कि कुछ नहीं हासिल हो रहा है, इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पा रहा है, कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है, तो बैकडोर से मोदी को सपोर्ट कर जाएंगे। यह एक प्रॉब्लम है, लेकिन कांग्रेस अगर अपना प्रचार कैंपेन और सारी चीजों को नहीं सुधारेगी तो हालात उतने अच्छे कांग्रेस के फेवर में नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो उत्तर भारत के राज्य हैं, यूपी को अगर हम छोड़ देते हैं, तो वहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की फाइट 200 ऐसी सीटें हैं पूरे देश भर में जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है, और उसमें से 2019 में 194 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी जो 234 सीटें दूसरी हैं, जो मतलब जो जो लोकल रीजनल लीडर रीजनल पार्टियां हैं उनके साथ 234 पे भारतीय जनता पार्टी जो लड़ रही है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी डाउन हो रही है, लेकिन अगर इन 200 में भारतीय जनता पार्टी 50 सीट डाउन नहीं होती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल होगी। कांग्रेस को हर हाल में 150 का आंकड़ा पार करना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, लेकिन जी, कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता है, अभी पहले चरण का मतदान हो जाने दीजिए। तो एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, उसके पास साधन है, उसके पास ताकत है और मोदी जैसा चेहरा है तो वो हार नहीं सकती, ये जो मीडिया को बंधक बना के ये जो एक इमेज क्रिएट किया गया है, उस इमेज में भी कुछ लोग अभी डूबे हुए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये अभी कोई संघर्ष नहीं है, जबकि लड़ाई तो दिखाई दे रही है जमीन पर, और जिस तरह का एक्सप्रेशन है प्रधानमंत्री का और जिस तरह का उनके जो भाव भंगिमा है उसमें काफी बदलाव आया है और इन सब चीजों से पता चल रहा है। मैं एक बहुत संक्षिप्त सी 2-3 बात कहूंगा, हम लोगों ने लंबा विमर्श किया लेकिन संविधान का सवाल नहीं आया। संविधान पहली बार किसी भी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, संविधान को बचाना एक नहीं दो पार्टियों का एजेंडा है और ये मैसेज तक गया है, ये लोगों तक गया है, भीतर तक गया है कि अगर संविधान की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे तो ये जो है बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, और ये मैसेज चला गया है धीरे धीरे कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से भी विमर्श बदला है। नौकरी का सवाल भी है और एक ओवरऑल जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो इशू रेज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उसमें इंटरवीन करके और एकदम से चीजों को क्लियर कर दिया, और उसके बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह का एक विमर्श शुरू हुआ है, उस विमर्श के बाद इस सरकार का एक विश्वास का जो चेहरा था मोदी के प्रति, वो विश्वास अविश्वास में बदल गया है, वो भरोसा मोदी ने खो दिया है, जिसकी वजह से अगर कोई इस वक्त इस महीने की 15 तारीख के बाद अगर कोई सर्वे करता कोई भी एजेंसी, तो मुझे लगता है उसमें साफ साफ रिफ्लेक्ट होगा कि मोदी की लोकप्रियता में एक बहुत ही बड़ा बड़ा स्लाइड हुआ है। तो ये चुनाव का मुद्दा है, और इसीलिए शायद राहुल गांधी ने जो आज असेसमेंट दिया कि 150 सीटों पर सिमट जाएगी, ये सब कुल मिला के अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनका एक आकलन है कि जनता के मन में अब 10 साल के बाद इस सरकार को बदल देने का एक वो विपक्ष के तीव्रता से नहीं हुआ कि विपक्ष बहुत एग्रेसिव हो गया है, विपक्ष उनके अपने मन में, जनता के अपने मन में भी आने लगा है कि हमें बदल देना चाहिए, हमें इसके साथ धोखा मिला है। तो मुझे लग रहा है कि एक जनता वर्सेस जो सत्ताधारी पार्टी है वो इशू भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है, और इसीलिए आपको याद होगा कि जब 2004 का चुनाव तो जरूर याद होगा, जब साइनिंग इंडिया का नारा था और लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को कोई बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है, लेकिन अचानक यूपी आ गई थी सत्ता में, तो 2004 मुझे लग रहा है 2004 की तरह ये इस मतलब गलतफहमी में रहेंगे कि ये आ रहे हैं और मोदी है तो मुमकिन है,
लेकिन अचानक जो है 2-4 जून को पता चलेगा कि ये मुमकिन नहीं था, ये जो 400 का आंकड़ा तो मुमकिन नहीं था, उससे नीचे भी उसके आधे भी मुमकिन नहीं था। तो और जब गिरता है आदमी ना, जब साख जब जब साख गिरने लगती है सरकार की, तो ये मुझे तो लग रहा है कि जो राहुल का आंकड़ा अभी अपडेट हो रहा है, ये दूसरे तीसरे चुनाव आते आते और अपडेट हो जाएगा और गिरावट आ जाएगी, क्योंकि अभी कोई सत्ता पक्ष को बचाए रखने के लिए कोई बड़ा इशू मंदिर और या मंदिर काम कर रहा है। मान सकता हूं कि मैं कुछ लोगों के कुछ प्रतिशत लोगों में ये मुद्दा भी काम कर रहा है, और बिहार में तो रोजगार, सही कहा दीपक जी ने कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा बिहार में तीव्रता के साथ मार कर रहा है, और उसकी वजह से तेजस्वी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, विपक्ष को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अभी एक ऐसा पिक्चर पहले दौर के चुनाव आते आते बन गया है जिसमें इस सरकार के लिए संकट दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी रणनीति या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा इमोशनल इशू आने वाले समय में आ सकता है, या प्रधानमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि दुनिया एक युद्ध के संकट से घिरा हुआ और ऐसे समय में हमें एक मजबूत सरकार की जरूरत होती है, तो अगर कोई ऐसा अचानक कोई ऐसा पहलू आ गया तो बात और है, लेकिन अभी जो जो जैसे चीजें चल रही हैं उसमें एक मतलब गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट मैं देख पा रहा हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में गिरावट है और धीरे धीरे उसका कहीं ना कहीं जो मीडिया का एक वर्ग है उसके विमर्श में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। और एक चीज ये भी है, उसको भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे, कि मोदी जी पर एकदम से केवल मोदी जी पर निर्भर होकर के या मोदी जी ने अपने पास सारी शक्तियां केंद्रित करके बीजेपी को भी अंदर से खोखला कर दिया है। जो बीजेपी के में भले मंत्री हैं, भले विधायक हैं, भले सांसद हैं, लेकिन उनके पास पावर नहीं है। मतलब वो जो एक सत्ता की जो भागीदारी होनी चाहिए, अपोजिशन तो छोड़ दीजिए, संसद में नहीं पूछा जाता, लेकिन बीजेपी के अंदर भी जो तमाम लीडर्स हैं और वर्कर हैं, वो उसको चूंकि मोनोपोली एक केंद्रित हो गई है पीएमओ में जाके सारी शक्ति और पीएम में। और जहां तक बात विपक्ष की है, तो देखिए ये देश कोई पक्ष और विपक्ष का नहीं है, ये देश आम जनता का है। हम लोग उसके लिए टैक्स देते हैं, उसको चलाने के लिए टैक्स पेयर जो है करदाता ही मतदाता भी है। तो ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान जो है सुरक्षित रहे। बाकी तो समस्याएं थोड़ा कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारी डेमोक्रेसी ही नहीं सुरक्षित रहेगी, हमारा संविधान ही नहीं सुरक्षित रहेगा, वन मैन रूल की तरह अगर हम बढ़ेंगे, वन पार्टी रूल की तरह अगर हम बढ़ते जा रहे हैं, तो वो भी लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने हित में, आम जो मतदाता है उसके हित में है कि लोकतंत्र हमारे देश में जीवित रहे। कौन पार्टी सरकार में आती है उससे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि हमारे जनता जो है वो काफी अब लोग समझदार हो गए हैं। एक और दर्शक है जिन्होंने टिप्पणी की है, देवेंद्र सिंह यादव, उन्होंने लिखा है कि इंडिया गठबंधन के लिए अगर 10-5 सीट का हेरफेर होगा तो नीतीश कुमार फिर एक बार अपने निर्णायक भूमिका में होंगे। तो लोगों को अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। और एक त्रिभुवन यादव है, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पुलवामा का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, बिपिन रावत जी के विमान दुर्घटना की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। तो खैर ये सब नहीं, लेकिन ये इंडिकेट तो करता ही है कि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं विपिन रावत, जनरल विपिन रावत की जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिस तरह से मौत हुई है, या पुलवामा का जो सतपाल मलिक बार बार उसको उस समय गवर्नर है मुद्दे उठा रहे, तो ये लोगों के बीच विमर्श में है। आप सरकार उसको चाहे जितना दबाए, लेकिन वो दबाने से चीज नहीं दबती है। और लोग ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि विपक्ष का जो कैंपेन है शायद उतना जोरदार इसलिए नहीं दिख रहा है कि भाई फंड्स की कमी है, फंड्स की कमी है, जेल में लोगों को डाल रखा। अब आप सोचिए कि अगर केजरीवाल जी आज फ्री होते बाहर, तो क्या हंगामा उन्होंने खड़ा कर रखा होता मोदी जी के खिलाफ पूरे देश भर में। हेमंत सोरेन भी अगर आज बाहर होते तो और होता। तो ये भी है ना कि भाई मतलब तमाम आप हाथ पर बांध के विपक्ष के, और सरकार चाहती है कि भाई कंपटीशन हो, और चुनाव आयोग मूक दर्शक है, तो जनता तो मूक दर्शक नहीं रहेगी, क्योंकि स्टेक पे तो जनता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने
हमें आजादी मिली थी, पब्लिक को आजादी मिली थी, आजादी कांग्रेस पार्टी को या किसी और पार्टी को नहीं मिली या अपोजिशन को नहीं मिली। तो हम इस देश के मालिक हैं और हम, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि डेमोक्रेसी सुरक्षित रहे। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय सरकार में कि वो जवाबदेही नहीं है किसी के प्रति। तो हमें एक जवाबदेह सरकार भी चाहिए, कोई भी सत्ता में हो, उसको पार्लियामेंट के प्रति, उसको मीडिया के प्रति, उसको लोगों के प्रति जवाबदेह होना होगा। और इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये निरंकुश है और किसी की सुनवाई नहीं है। आपके बड़ी से बड़ी एक तरफा कम्युनिकेशन है, मोदी जी जो कहना चाहेंगे उनके साथ पीआर एजेंसी हमेशा चलती है, एक पीआर एजेंसी चलती है, एक उनका जो परिधान विभाग है पहनावे वाला वो चलता है, और वो हर समय जो है अपना बाकायदे उनको फोटो टीवी और उनके कुछ दो चार जो है वो प्री जो है वो न्यूज एजेंसी हैं, पत्रकार हैं। तो देश ऐसे नहीं चलता, देश ये लोगों का है और लोगों को कहीं ना कहीं आपको भागीदारी देनी पड़ेगी, सुनवाई आपको लोगों की करनी पड़ेगी। और अगर आप संसद को आप गूंगे कर देंगे, बंधक बना लेंगे आप संसद को, आप चाहेंगे कि भाई, तो वो चलने वाला नहीं है, ना इंदिरा जी की चली है ना आपकी चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी।